Hello guys, in the today's lecture I will discuss about the mechanics part, kinematics or kinetics. Okay, so the basics formulas I am not discussing about that, wo aap book se padh lena. Basics like two forces and the resultant forces, वेरी फंडामेंटल टॉपिक्स, वो आप बुक से देख लेना. और आप अगर भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, यू सॉल्व द आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द देयर इज नथिंग, जस्ट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम एग्जाम्पल्स. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. चलो देखो अब फर्स्ट एग्जांपल को. ओके, तो मैं बहुत आसान से स्टार्ट करूँगा, फिर धीरे धीरे मैं जाऊँगा हार्डर पर. अगर इफ़ यू फॉलो दिस लेक्चर फ्रॉम फर्स्ट टू द एंड, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द फंडामेंटल्स and the future lectures. Obviously I am discussing the harder problem in the future lectures, but if you follow this lecture you will learn about the fundamentals surely. Okay, so first question, this is x-axis, this is y-axis, this is x. Given that here is 20 newton and this is f is not given and this is theta, and in this direction here is 8 newton. तो determine the value of f and theta when the diagram is in equilibrium at equilibrium condition. Okay, तो आप इस तरह के examples को हमेशा free body diagram draw कर लेना, पहले करना ही पड़ेगा obviously. पहले तो free body देख लो, समझना अब ध्यान से. 20 न्यूटन, हियर इज 20 न्यूटन. पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लो. मैं राइट साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इस तरफ ज़्यादा स्पेस है. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो अब देखो स्टेप वाइज, देखो अब पहले पहले हम 20 न्यूटन को देखते हैं. ओके, हाँ हाँ, और एक यहाँ पे गिवन 65 डिग्री. तो अब देखो 20 न्यूटन इज 65 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. ओके, इन द फ्री बॉडी डायग्राम आपको सारे जिस तरफ भी जितने फोर्स है, मतलब यहाँ पे देखो एक है 8 न्यूटन फोर्स, एक है एफ फोर्स और द लास्ट वन इज 20 न्यूटन फोर्स. ओके, तो इन तीनों को आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करना होगा, सबको एक एक को पकड़ के
आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करना होगा। फिर आप इक्विलिब्रियम के कंडीशन लगाना, वो मैं बताता हूँ। एट फर्स्ट लुक एट दैट 20 न्यूटन, 20 न्यूटन को हमको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डिवाइड करना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में वही सब होता है। ओके तो देखो, अब 20 न्यूटन इज विथ 65 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस। ओके तो एक्स एक्सिस के तरफ 20 का कंपोनेंट कितना होगा, ये आप ज़रूर याद रखना कि 20 इट इज कॉस 65 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। बट इफ़ यू नॉट रिमेंबर देन इट्स ओके, यू विल लर्न फ्रॉम दिस। दिस इज 20 cos 65 डिग्री। तो यहाँ पे cos 65 डिग्री क्यों लिया, जिस एक्सिस से 20 न्यूटन फोर्स 65 डिग्री एंगल में है, वो एक्सिस को अब cos एक्सिस पे नेमिंग कर देना, और दूसरे एक्सिस जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे है उसको साइन कर देना, पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो सेकेंडली दिस एक्सिस इज 20 sin 65 डिग्री। इफ द 20 न्यूटन फोर्स इज विथ 65 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, देन द वाई एक्सिस विल बी कॉस 65 एंड द एक्स एक्सिस विल बी साइन 65। ओके बट इन दिस क्वेश्चन इट इज 65 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, देन द एक्स कॉम्पोनेंट इज कॉस। ओके इस तरह से अब सब कंपोनेंट को एक्स और वाई में डिवाइड कर देना। देन द 8 न्यूटन फोर्स इज ऑन वाई एक्सिस, सो वी नॉट नीड टू डिवाइड 8 न्यूटन। ओके अब एफ को देखो, एफ इज इन थीटा विद द एक्स एक्सिस, सो द एक्स एक्सिस एंगल, so the angle of x axis will be the cos component, okay, and the y axis component is the sine component, okay, इस तरह आपको डिवाइड कर देना है x और y में। वर्ड एक बतौर देखो, एक वेक्टर इस तरह, वेक्टर मतलब वही पकड़ लो 20 न्यूटन को ही सोच लो, 20 न्यूटन इसको हमने डिवाइड किया कितना, 20 cos 65 एंड 20 sin 65। ओके क्योंकि ये वाला एंगल 65 है, सो एक्स कंपोनेंट कॉस 65 होगा। तो हमने देखो, हमेशा इस टेल की तरफ से, मतलब इस टेल एक वेक्टर साइन का, ये है टेल और ये है हेड। ओके हमेशा टेल की तरफ से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, अब कभी भी इस हेड की डायरेक्शन से डिवाइड मत करना। ओके तो यू डिवाइडेड इट इन द फ्रॉम द टेल। तो अब देखो, अब इफ द 20 न्यूटन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये कैसे डिवाइड होगा, एक
ऐसे एक ऐसे, और नेमिंग अगर ये थीटा होगा तो ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, ओके। एंड जो दोनों तरफ आप डिवाइड कर रहे हो वो दोनों, वो दैट टू साइड्स विल बी 90 डिग्री विथ ईच अदर, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ओके। तो अब देखो, और ये भी हम मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं। तो अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 20 साइन 65 डिवाइड कर लिया हमने सब। तो अब फाइंड द एफ एंड फाइंड द थीटा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, इक्विलिब्रियम मीन्स द सिस्टम इज नॉट इन द मोशन, मीन्स द सिस्टम इज इन स्टैटिक, मतलब सिस्टम का कोई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नहीं हुआ, सिस्टम बस एक जगह पे खड़ी रहेंगी, ओके। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। एफ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के तरफ जितने भी फोर्सेस है वो प्लस माइनस करके ज़ीरो होगा, और एफ वाई मीन्स वाई एक्सिस के तरफ जितने भी फोर्सेस है वो भी प्लस माइनस करके ज़ीरो होगा। दिस इज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपको तो पहले आप समझ ही रहे हो कि वी नीड टू ड्रॉ दिस एफ बी डी, मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ओके। तो अब देखो, एफ एक्स की तरफ एफ एक्स टोटल फोर्सेज ऑफ एफ एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहले देखो, हम पहले एक्स की तरफ से करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की डायरेक्शन पे देखो, अब एक्स पे देखो, इस तरफ है 20 cos 65, ओके। इस तरफ है एफ cos थीटा, और ये डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस डायरेक्शन को अब जब व्हेन यू डिवाइड द फोर्सेस, देन प्लीज डिवाइड दिस फोर्सेस फोर्सेस को डिवाइड करना, ध्यान से डिवाइड करना कि टेल के साइड से डिवाइड होगा दोनों, और वो दोनों 90 डिग्री पे होगा, ओके, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ओके। तो अब देखो, एफ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे है 20 कॉस 65, ओके। तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव ही लिया, अब माइनस भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। और देखो, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, मतलब इस ये वाला 20 cos 65 goes फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड एफ cos थीटा goes राइट टू लेफ्ट, मीन्स दिस टू फोर्सेस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस होगा। अगर आप 20 cos 65 को माइनस पकड़ते तो एफ cos थीटा प्लस होता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे हमने प्लस ही पकड़ा 20 cos 65 को, देन एफ cos थीटा इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स माइनस होगा इस पे, एफ cos थीटा
इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्विलिब्रियम में ज़ीरो होगा। ओके तो अब देन वी कैन कैलकुलेट द एफ फ्रॉम दिस कंडीशन। तो क्या होगा, नाउ वी कैन नॉट कैलकुलेट एफ बिकॉज एफ एंड थीटा टू वेरिएबल्स प्रेजेंट। एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8, कैलकुलेट करके देखना वो 8.45 होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो एफ कितना हुआ, 8.45 बटे कॉस थीटा, इसको हमने कंसिडर किया 1। तो देन गो टू द एफ वाई, देन गो टू एफ वाई मीन्स वाई के डायरेक्शन पे जो फोर्सेस होगा वो हमको इक्वल ज़ीरो करना होगा। देखो सम ऑफ एफ वाई फोर्सेस, और ये साइन मीन्स समेशन, और समेशन मीन्स सम ऑफ, ओके मीन्स सम ऑफ एफ वाई मीन्स वाई के डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस है वो टोटल सम। ओके तो यहाँ पे देखो क्या है, वाई के प्लस वाले डायरेक्शन पे 20 साइन 65 है, तो लिख दिया 20 साइन, आप इसको पहले ही बोला मैंने, आप इसको माइनस कर सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, तो अपोजिट डायरेक्शन प्लस लेना होगा। मैंने वो ये वाला प्लस लिया, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पे देखो कौन कौन है, 8 न्यूटन, हियर इज 8 न्यूटन एंड हियर इज एफ साइन थीटा। ओके तो एफ साइन थीटा एंड 8 न्यूटन आर इन द सेम डायरेक्शन व्हेन 20 साइन 65 विद द इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस एफ कितना है, नीचे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा देन 8 और एफ साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है, तो एफ साइन थीटा अपने जो डायरेक्शन लिया माइनस, ये भी सेम होगा 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ लिया ना, एफ साइन थीटा एंड 8 न्यूटन फोर्स इन सेम डायरेक्शन, यू सी दैट, एंड 20 इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो 20 का साइन है प्लस, और इन दोनों का साइन है 20 का ऑपोजिट। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको भी, तो कितना हुआ देखो, एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10.12। इफ यू कैलकुलेट द इक्वेशन देन इट विल कम ऑब्वियसली, नॉट ऑब्वियसली, कैलकुलेट करने देख लेना मैंने सही किया और नहीं। ओके तो एफ इज इक्वल्स टू 10.12 बटे साइन थीटा, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इसमें एफ का वैल्यू जितना आया और इसमें एफ का वैल्यू जितना आया, वी कैन कैलकुलेट दिस टू। ओके तो अब देखो
इसमें कितना आया फर्स्ट कंडीशन 8.45 बाय कॉस थीटा 8. आप यहाँ पे लिख लेना इक्वेटिंग वन एंड टू इक्वेटिंग फ्रॉम वन एंड टू 8.45 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 10.12 बाय साइन थीटा तो यू कैन कैलकुलेट इट एंड इट विल बी 10 थीटा इक्वल्स टू 1.2 देन थीटा इक्वल्स टू 50.19 degree Then here is the answer of theta. Then you can simply put the value of theta in this equation, in this one or two. हमने one को पकड़ा 8.45 बटे कितना था cos theta means cos 50.9 cos 50.19 degree तो देखो आप कैलकुलेट करके देखो आंसर होगा 13.19 न्यूटन ओके तो इस लेक्चर को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा यू कैन स्टडी दिस लेक्चर आई होप You will understand the basics and you will understand how to divide the components in x and y direction. This is a very basic question. You study this question first. I hope you can now draw the xy circuit. Sorry, circuit bola. I hope you can draw now the xy axis components and in the equilibrium condition you will solve that for equilibrium condition fx equals to 0 and fy equals to 0 otherwise it is not equals to 0 okay तो हमको fundamentals समझ में आ गया होगा तो इन द नेक्स्ट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द हार्डर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स ओके बट उसके पहले आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना कि कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं एंड देन हाउ टू अप्लाई दिस इन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन ओके तो आज के लिए बस इतना ही If you like our videos, then please like the videos and subscribe to our channel. It will definitely gives us the energy to provide you the best videos. Okay, and in this pandemic situation, you should not go out to the home without any emergency. Stay home, stay safe. Bye. See ya. Have a good day.